सोचा तो 8th क्लास से था, लेकिन चला गया 2015 में। मेरे दोस्त थे, दो क्लासमेट थे, तो उसने अचानक से बस जैसे ये लोग जाते थे बॉर्डर पे, तो उसने भी सोच लिया कि हम भी जाएंगे इस तरह। तो हम तीनों ने मशवरा करके फिर साथ चले गए, क्योंकि उस टाइम बॉर्डर को ओपन थे, तो इसी तरीके से जाएंगे। तो फिर 2015 फिर हम चले गए, हम तीनों चले गए। समंदर छोटा, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन तकरीबन 3-4 घंटे वो समंदर का हमने सफ़र किया था। तो हम पहले हम उधर मतलब ट्रेन करके कि आप ऐसा करो, आप ऐसे लेके जाओगे ऐसे, क्योंकि उसका बंदा नहीं होगा तुम्हारे पास, ना कोई एजेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ड्राइविंग भी करोगे और खुद देखोगे लोकेशन किधर जाना है। हम बस समंदर में रवाना हो गए, मेरा दोस्त था वो चला रहा था, आगे आपको सामने नज़र नहीं आएगा कि मैं किधर जा रहा हूँ और क्या आ रहा है मेरे सामने। अगर ये मशीन काम करना छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे। वो लोग निकल गए, हमारा बोट बंद हो गया, लेकिन थोड़ा 2-3 किक मार के फिर वो सही हो गया। लेकिन वो 2-3 सेकंड जो थे हमारे लिए थे ना, ऐसे थे कि बस हम गए, क्योंकि बोट वो ख़त्म, काम करना छोड़ दिया, आर्मी वाला भी चला गया, तो बस बात ख़त्म हो गई। तो वो सेकंड भी हमने सोचा कि बस ये मौत है। सोचा कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मैंने उधर 4 साल मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया, अच्छी तरह से काम सीखा और लैंग्वेज भी तकरीबन 60-70% मैंने सीखी थी और अच्छी तरह से टैक्स पे कर रहा था, खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक इसलिए मैंने डिसाइड किया क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ 3 बार रिजेक्ट किया हुआ था कि आपको पेपर नहीं मिल सकते। मामा की तरफ से भी फुल प्रेशर था कि मतलब आपकी शादी हुई है, आपको नहीं दे रहे तो सही है, वापस आ जाओ। ये डर था कि मतलब मैं पाकिस्तान जाके क्या करूँगा, लेकिन डर तब मुझे ख़त्म हुआ जैसे मेरे मतलब इस फरजाना से बात हो गई, उसने मुझे बताया उनके बारे में कि मतलब आप आओगे, आपको पेमेंट मिलेगा। तो मुझे लगा कि बस कुछ ना कुछ तो है, मतलब 1-2 महीने इतने तो गुजार लूँगा इससे। वापस आके मतलब अच्छा तो लग रहा है, अगर आप लोग न जाए तो बेहतर है, मतलब जाओ, लीगल जाओ, ऐसे नहीं कि इलीगल।